गुलबर्गा शहर के ओल्ड मार्केट टांगा स्टैंड अजीज कैफे के अपोजिट लजीज अचार घर की रीओपनिंग हुई है, जिसका इनोग्रेशन तकद्दुस माब शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी अलमारोव सिराज बाबा साहेब सज्जादा नशीन बारगाह शेख डकन के हाथों किया गया है। लजीज अचार घर कोई नया नाम नहीं है, ये पिछले 10 सालों से ज्यादा अरसे से गुलबर्गा शहर में ये मुख्तलिफ अचार पापड़ देसी घी और दीगर चटपटे स्नैक सेल करते आ रहे हैं। इस मौके पर लजीज अचार घर के प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी को रीओपनिंग के लिए मुबारकबाद पेश कर सिराज बाबा साहेब और हाफिज कलीम कारीगर ने बताया, यहाँ स्पेशल हैदराबादी आम का अचार, नींबू का अचार, वेजिटेबल अचार, मिर्ची अचार, आमला अचार, गोश्त का अचार, उड़ीद पापड़, राइस पापड़, साबुदाना पापड़, नूडल, पास्ता और हर किस्म के अचार और पापड़ के अलावा देसी असली घी भी यहाँ अवेलेबल है। आप एक बार यहाँ विजिट कर इनका लुत्फ उठा सकते हैं। और इस शॉप के प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने सभी मेहमान का रीओपनिंग में शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश कर एक बार इनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की गुजारिश की है। आपको बता दूं, लजीज अचार घर गुलबर्गा ओल्ड मार्केट टांगा स्टैंड के करीब अजीज कैफे के बिल्कुल अपोजिट मौजूद है। आप यहाँ विजिट करें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज हम यहाँ हमारे रफ़ीक साहब के फर्जंद इकबाल साहब की नई दुकान जिसका नाम लजीज अचार घर है, जिसमें अचार और दीगर पापड़ नूडल्स वगैरह का इनका कारोबार इन्होंने शुरू किया है, उसकी इफ्तिताही तकरीब में जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में खूब खैर बरकत अता फरमाए और उनको रिज़्क हलाल की नेमत अता फरमाए। आमीन बिजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आज लजीज अचार घर की रीओपनिंग हुई है। बदस्त हजरत शेख कबीर डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा साहब क़िबला सज्जाद नशीन आस्ताना शेख दखन के हाथों अमल में आई है। इस तकरीब में शहर के मोजज़ हजरत ने भी शिरकत फरमाई है। आपको बताऊं कि ये लजीज अचार घर पिछले 10-11 सालों से शहर गुलबर्गा में अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेहतरीन अचार और बेहतरीन पापड़ और इन तरह के स्नैक्स वगैरह के आइटम्स में मशहूर है, उसी की आज रीओपनिंग थी। और स्पेशल इनका लजीज अचार भी यहाँ पे मौजूद है और देसी घी वगैरह इस तरह के आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि स्पेशल आप आम के अचार और गोश्त का अचार वगैरह, नींबू का अचार होता है, इस तरह की जो है ना कोई भी चटनी वगैरह होती है, तो ये सारे स्नैक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर इस एक मरतबा इस शॉप पर विज़िट करें और यहाँ के अचार और यहाँ की दिगर स्नैक्स वगैरह का आप टेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अजीज़ कैफ़े के बिल्कुल अपोजिट ये शॉप मौजूद है, तो आप ज़रूर एक मरतबा यहाँ पर विज़िट करें और यहाँ के अचार वगैरह का आप टेस्ट हासिल करें। आज री ओपनिंग की गई है लजीज अचार घर की, जो काफ़ी दिनों से आपकी खिदमत में आ रहे थे, अभी फिर आज सज्जाद नशीन बारगाह शेख दखन सिराज बाबा के हाथों पे मल में आया है। मैं दिल की गहराइयों से हमारे इकबाल भाई, रफ़ीक साहब कश्मीरी, अजू भाई, सबका दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह आपको और इस कारोबार में और बरकतें नाजिल करें। और आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि लजीज अचार घर का आप एक बार टेस्ट करके देखिए, आप लोगों को भी इंशाल्लाह इत्मीनान होगा। ये हमारी शॉप जो है ना कम से कम 10 से 12 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर से ओपनिंग हो रही है इसकी, तो लिहाजा जो है ना आप से अदबन गुजारिश करता हूँ कि यहाँ का जो है ना लजीज अचार घर, यहाँ पर आम का अचार, नींबू का अचार, तरकारी का अचार, ये सब जो है ना वेराइटीज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है।
और यहाँ पर देसी घी भी स्पेशल घी देसी घी मिलता है और गोश्त का अचार भी मिलता है। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप इंशाल्लाह तशरीफ लाएं।